हेलो एवरीवन, मैं केदारा नाम नए सोच नए सपने में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन 10+2, यानी जो 11 12 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पढ़ रहे थे, चौथे क्लास में देखे थे वाज वर्ड का प्रयोग। तो फोर एक्सरसाइज पढ़े थे, इसमें फाइव एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो फाइव एक्सरसाइज के कुछ हम एग्जांपल माने कुछ उसका कुछ बना के बताएंगे, उसी के आधार पर आप उस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करें। उसका पीडीएफ इस वीडियो के लास्ट में दे दिया जाएगा, स्क्रीन और आप स्क्रीनशॉट करके उसको बना के फिर हमें व्हाट्सएप या अदरवाइज कमेंट में बताएं कि कंप्लीट हो गया, तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ वाज वर्ड, तो मैं बहुत सावधान था। यहाँ अकेला है मैं, तो यहाँ पर आई हो गया मैं का, और अकेला है इसीलिए यहाँ पर वाज होगा। आई वाज, और बहुत का होता है वेरी, और सावधान का केयरफुल, तो आई वाज वेरी केयरफुल। दूसरा, सीता और रोहित बहुत महात्माकांक्षी थे। सीता और रोहित बहुत महात्माकांक्षी थे, तो सीता और रोहित क्या हो गया, ये दो आदमी हो गया, ये प्लुरल हो गया, एक से ज्यादा हो गया, इसीलिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, वाज और वर में से वर का प्रयोग करेंगे। तो सीता एंड रोहित वर वेरी, और महात्माकांक्षी का होता है MBBS। उसके पिताजी अत्यंत कमजोर है, उसके पिता तो एक ही, तो यहां पर होगा His father was extremely weak। यहाँ पर एक छूट गया दोस्तों, रात बहुत अंधेरी थी। Night was very dark। हरी जिज्ञासु था, हरी क्या था, जिज्ञासु। तो यहाँ सिंगुलर की बात है, तो सिंगुलर में was होता है, तो was का प्रयोग करें। हरी was curious। वे लोग कल खोए थे। They were lost tomorrow। वह बहुत असंतुष्ट था। तो वह तो सिंगलर है, तो सिंगलर के साथ सिंगलर वर्ब। तो he was very dissatisfied। समाचार बहुत विश्वसनीय था, द न्यूज पेपर was credible। वे लोग बहुत आज्ञाकारी थे, दे वर वेरी ओबीडियंट। जैसे कि आज्ञाकारी आप जानते ही होंगे, आज्ञाकारी का ओबीडियंट होता है, और दे पुलर है, तो उसके साथ पुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। रामू और सोनू वफादार थे, रामू एंड सोनू वर फेथफुल। अगर दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, दूसरों को रेफर करें, दूसरे जो स्टूडेंट है उसको रेफर करें, और क्योंकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक से पहुंचा है, जिससे ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप वीडियो होगा, तो आप लोग इसको एस्केप नहीं करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। रोहन बहुत सक्रिय था। तुम बुद्धिमान थे, तो यू आर वेरी वाइज। तुम बहुत बुद्धिमान थे, तो यू आर वेरी वाइज। तो इस तरह से आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं, और बना के हमें कमेंट करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज में मिलेंगे आपसे, और फिर बातें करेंगे, और फिर उसके सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।